यवतमाल जिले के एसडीएम कार्तिकेयन और दिग्रस तहसीलदार अक्षय रासने का अचानक से हुआ तबादला कई तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदेह की ओर इशारा कर रहा है। इन तबादले के पीछे राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका नजर आ रही है। पेश है एनबीसी न्यूज के लिए संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। दिग्रस बाढ़ पीड़ितों के सर्वे और बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से दी जा रही सहायता निधि के वितरण का पेच सुलझने से पहले ही एसडीएम कार्तिकेयन और दिग्रस के तहसीलदार अक्षय रासने का अचानक हुआ तबादला कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इन तबादलों को लेकर कई तरह की चर्चा है और आशंकाओं ने जोर पकड़ लिया है। जहाँ तक अक्षय रासने के तबादले की बात है तो इसको लेकर तहसील प्रशासन ये बात बता रहा है कि अक्षय रासने प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा विधान अवधि में थे, वो कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से उन्होंने अपनी बदली करा ली। हालांकि इसके पीछे की जो कहानी है उसकी वास्तविकता अलग नजर आती है। हो सकता है शहर में बाढ़ के बाद बाढ़ पीड़ितों के सर्वे में गड़बड़ी और सहायता निधि के चेक वितरण को लेकर लोगों की जो समस्याएं थी उसका हल तलाशने और हल समस्या को हल करने का आश्वासन दोनों अधिकारी अपने अपने स्तर पर दे रहे थे, गुस्साए लोगों को शांत करते हुए उनका विश्वास भी जीत रहे थे। कुछ दिन पहले ही बाढ़ पीड़ितों की शिकायतों को हल करने के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता कुछ इस तरह से दर्शाई थी। आता एक कंप्लेंट अशा आलेली आहे की जिन्हें भेटायला पाहिजे ते भेटले नाही म्हणून त्यांना पण चौकशी करतो, बरोबर चौकशी करतो। आणि आता मागणी पण आलेली आहे की अंशुतन उच्चारला पण पैसे द्यायचे म्हणून, आता हे मागणी पण घेतलेली आहे, चौकशी करतो। प्रत्येक कंप्लेंट्स वर मी चौकशी करतो, चौकशी करून निर्णय घेतो। नुकसान झालं असून त्यांना मदत मिळाली नाही असं तक्रार आलेली आहे, त्या अनुषंगाने पंचनामे झालेले असल्यास ते तपासले जातील, चौकशी केली जाईल आणि जे खरे खुरे लाभार्थी असतील त्यांना मदत पुरवली। ऐसे में उनके रहते ईमानदारी से हर शिकायत की जांच होती तो आज कई फर्जी लाभार्थियों के नामों को लिस्ट में शामिल करने वाले लोग बेनकाब होते और उनका फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ जाता। एसडीएम कार्तिकेयन और दिग्रस तहसीलदार अक्षय रासने का तबादला इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि इस तबादले के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी हुआ है। इस पूरे मामले को अगर गौर से देखा जाए तो जब दिग्रस शहर में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई लोगों का यहाँ पर नुकसान हुआ था और इसमें जब सर्वे शुरू हुआ था यहाँ पर तहसील प्रशासन की तरफ से, तब देखा गया था कि कुछ राजनीति में सक्रिय लोगों ने और तहसील के कई कर्मचारियों पर भी आरोप लगे थे कि उनके गड़बड़ी के कारण उन्होंने अपने परिचितों के नाम उस लाभार्थी की लिस्ट में डाल दिए हैं जबरन तरीके से। और इसके बाद जन आक्रोश फूटा था, कई मोर्चे भी इस तहसील कार्यालय पर पहुंचे थे और अपनी शिकायत उन्होंने यहाँ पर दर्ज की थी। और उन सारी शिकायतों को लेकर एसडीएम कार्तिकेयन हो या फिर दिग्रस के जो तहसीलदार थे अक्षय रासने, उन्होंने जनता को आश्वासन दिया था कि वे किसी तरह की भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे और जो भी समस्याएं उनके पास आई है, जो शिकायतें आई है, उनको संज्ञान में लेकर वो कड़े रूप से इसकी जांच करेंगे और जो लाभार्थी है, जो असल में लाभार्थी है, उनको कहीं ना कहीं वो फायदा पहुंचाएंगे और वो लाभ से उन्हें वंचित नहीं रखेंगे, ये वादा उन्होंने किया था। ये जो पूरा मंजर है इसको देखते हुए भी जो राजनीति में सक्रिय लोग हैं जिन्होंने जानबूझकर अपने परिचितों के नाम उस लाभार्थी की लिस्ट में डाले थे, उनका कहीं ना कहीं एक भंडाफोड़ यहाँ पर हो रहा था। और यही बात शायद राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं, सत्ताधारी हैं, उनकी आंखों में खटकी और इसकी वजह से ही एसडीएम कार्तिकेयन की या फिर अक्षय रासने का अचानक रूप से तबादला किया गया, ऐसी चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। कर्तव्य दक्ष अधिकारियों के तबादलों के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति हावी रहती है। दिग्रस में भी यही मंजर नजर आ रहा है। दिग्रस शहर में पुलिस और तहसील प्रशासन के नाक के नीचे वैसे तो कई तरह के अवैध कारोबार बरसों से चलते आ रहे हैं। राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त होने से अवैध कारोबारी कर्तव्य दक्ष अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, जिस वजह से उन्हें या तो पकड़ा नहीं जाता और जब पकड़ा भी जाता है तो स्वार्थ हितों के चलते ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है। सूत्रों की माने तो इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप के दम पर अनाज की अवैध रूप से जमाखोरी करने वालों को तहसील प्रशासन ने चालाकी के साथ शय दे दी है। शहर के देवरवाड़ा और आर्नी रोड परिसर में दो जगहों पर राजस्व प्रशासन ने जो है अवैध रूप से अनाज का भंडार करने वालों की रेड की थी और वहां पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जमा किया गया अनाज का भंडार मिला था। लेकिन जब इसमें कार्रवाई हुई और राजस्व प्रशासन ने जब जो रिपोर्ट थी
इसकी पेश की, इसका अहवाल पेश किया। उस अहवाल में एक अजीब सी बात और आप कहे एक अजीब सी चालाकी उसमें नजर आई। उसमें बताया गया था कि ये जो बड़े पैमाने पर अनाज का भंडार जो अवैध रूप से जमा किया गया था और उसको तहसील प्रशासन ने अपने अहवाल में बताया कि ये बाढ़ पीड़ितों के लिए उनकी सहायता के लिए जमा किया गया हुआ अनाज का भंडार है जो कई स्वयंसेवी गुटों का है। तो ये पता नहीं चला कि वो अनाज फिर कहाँ गया, बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचा या नहीं, इसका भी खुलासा अब तक नहीं हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उस वक्त भी यहाँ पर जो अक्षय रासने थे वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन सुनने में आया कि राजनीतिक वरद हस्त के चलते जमाखोर जो है अनाज के जमाखोर उनको कहीं ना कहीं शह देने की कोशिश की गई। और दिग्रस का ये इतिहास है कि यहाँ जब भी कोई ईमानदार अधिकारी आते हैं और वो जब इस तरह के गोरख धंधे पर रोक लगाते हैं तो उनका तबादला किया जाता है या फिर उनको यहाँ से उनकी बदली कर दी जाती है। इस तरह की चर्चाएं भी इस मामले में सामने आई है। अब वो अनाज कहाँ गया और उसका क्या हुआ ये पूरी तरह से इसका खुलासा तहसील प्रशासन ने नहीं किया है। बस ये बोल के छोड़ दिया है कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए किया गया, जमा किया गया, उनकी सहायता के लिए जमा किया गया हुआ अनाज का भंडार था। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप भी नजर आ रहा है और इसको लेकर चर्चाएं लोगों में चल रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।